गुड मॉर्निंग आज हम डिस्कस करेंगे ईडीएम ईडीएम माने इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिफर्बिश कर दूं कि ये हमारा चौथा लेक्चर है दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर पहले तीन लेक्चर में हमने मैकेनिकल एनर्जी से जो भी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होते थे वो मशीन के बारे में डिस्कस किया था वो तीन मशीन कौन से थे एब्रेजिव जेट मशीनिंग एब्रेजिव वाटर जेट मशीनिंग एंड थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग या इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इन शॉर्ट इट इज नोन एज ईडीएम सो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल क्या है तो इन ईडीएम या इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू जनरेट द स्पार्क बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस सम्मर्ज अंडर द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे यूज होता है

विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये आपका जो वर्क पीस होता है वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाला जो फ्लूड होता है उसके अंदर रहता है सो दैट मटेरियल रिमूवल टेक प्लेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस बाई लोकल मेल्टिंग और वेपराइजेशन एंड बाय दिस पार्क जो आपका वर्क पीस है उसमें दो प्रोसेस हो सकती है दोनों होती है या दो में से कोई भी हो एक होती है कौन कौन सी तो वो जो वर्क पीस है उसका मेटल को मेल्ट करता है या फिर उसको वेपराइज करता है और वो निकल जाता है सो आई एम रिपीटिंग अगेन द प्रिंसिपल ऑफ दिस ई डी एम इन दिस ई डी एम प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट द स्पार्क बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस सम्बर्ज अंडर द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये आपका जो वर्क पीस है वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में अंदर होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण टूल और वर्क पीस के बीच में स्पार्क होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्पार्क देर इज अ रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मेल्टिंग और वेपोराइजेशन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस इम नाउ हम देखेंगे कि जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड वो कौन सा होता है सो हियर डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड इज ए कैरोसिन द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड इन द नॉर्मल फॉर्म एक्ट एज ए इंसुलेटर वेयर एज एट प्रॉपर वोल्टेज और इंक्रीज इन वोल्टेज मेक द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड टू बी आयोनाइज जब प्रॉपर मतलब जो कम वोल्टेज जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं एट दैट टाइम ये एक इंसुलेटर का काम करता है दैट मीन्स कि आप अगर उसमें आप आपका उंगली डालेंगे तो आपको करंट नहीं लगता है बट जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होता है वो डाईलैक्ट्रिक फूड वो इंसुलेटर का काम नहीं करता है लेकिन वो आयोनाइज़ हो जाता है और आयोनाइज मतलब उसका आयोन्स कैटायंस या जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वो उसमें मूवमेंट होता है और जिसके कारण जो आपका वर्क पीस है उसमें से आपका मटेरियल का रिमूवल होता है लेकिन इम्पोर्टेंट वन इज यू हैव टू ऑप्टिमाइज द गैप बिटवीन वर्क पीस एंड टूल टूल और वर्क पीस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड दैट इज ऑफ अबाउट पॉइंट जीरो थ्री मिलीमीटर पॉइंट जीरो थ्री मिलीमीटर का गैप आपका वर्कपीस और टूल के बीच में होता है एंड जनरली वोल्टेज इज अबाउट सेवेंटी वोल्ट बराबर तो ये था आपका डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड नाउ वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक तो सबसे पहले इट हैज ए लो विस्कोसिटी इसका विस्कोसिटी बहुत कम होता है दैट मीन्स कि जो कैरोसिन है कैरोसिन का विस्कोसिटी अपने पानी से कम होता है रिमेन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव अप टू द डिजायर वोल्टेज ब्रेक डाउन टेक प्लेस मतलब जो अप डिजायर डिजायर वोल्टेज मतलब सेवेंटी वोल्ट है तब तक ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड है वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होता है इट कैन एक्ट एज ए गुड कूलिंग मीडियम ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड का दूसरा भी एक फंक्शन है के आपका जैसे मान लो कि कोई कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें आप टूल और वर्क पीस का फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है और जो मशीनिंग करते हैं तो उसके कारण वहाँ पे हीट जनरेट भी होता है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हीट जनरेट होता है लेकिन आपका वर्क पीस वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूड के अंदर होता है सबमर्ज होता है दैट वाई दैट्स वाई ये आपका जो फ्लूड है वो आपका मटवर्क पीस है उसका कूलिंग भी करता है तो इट कैन एक्ट एज ए गुड कूलिंग मीडियम इट कैन कैरी अवे ऑल द मेटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पार्क इरोजन दूसरा काम क्या करता है जैसे मान लो आप लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग करते हैं एंड विदाउट यूजिंग एनी फ्लूड जो आपका कूलेंट फ्लूड आप यूज नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो चिप्स जनरेट होती है वो आपकी वर्कपीस या आपका टूल है ये दोनों के बीच में भी आ जाती है और वर्कपीस का सरफेस फिनिश डैमेज करती है क्योंकि हम आप आपने वहाँ पे कोई कटिंग फ्लूड यूज़ किया नहीं है लेकिन जब आप कटिंग फ्लूड यूज़ करते हैं तो क्या करता है वो कटिंग फ्लूड टूल वर्कपीस दोनों को ठंडा तो करता है कूल cool तो करता है लेकिन विद डैट इट इज़ ऑल्सो रिमूविंग द चिप्स जो आपका टर्निंग के कारण जो भी चिप्स जनरेट होती है वो रिमूव भी करता है सेम इज यहाँ पे भी ईडीएम प्रोसेस में भी सेम प्रिंसिपल है वो आपका जो डाइलेक्ट्रिक फ्लू फ्लूड होता है वो फ्लूड आपका वर्कपीस को ठंडा तो करता है एज वेल एज जो भी स्मॉल पार्टिकल्स जो आपका चिप्स का जनरेट हुए है वो भी वहाँ से रिमूव करता है यहाँ पे टूल आप कौन सा यूज़ करते हैं द टूल यूज इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस इज आइर कॉपर और टंक्सटन और कॉपर टंक्सटन एलोए जनरली जनरली आई आई कैन से अप टू नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो भी टूल का मटीरियल आप यूज करते हैं इन ई डी एम प्रोसेस वो टूल कॉपर का या टंक्सटन का या कॉपर टंगस्टन एलोए का बनाया हुआ होता है एलोई मतलब इट्स ए मिक्सचर ऑफ टंगस्टन एंड कॉपर एलोई का मतलब क्या है हम एम में पढ़ गए हैं मटेरियल साइंस एंड मेटी सब्जेक्ट में एलोई मीन्स के उसमें एक पेरेंट मटेरियल होता है और उसमें दूसरा या दो से ज़्यादा आप दूसरा मेटल यूज करते हैं सो दैट ये मिक्सचर बनने के बाद जो भी नया मेटल मिलता है दैट इज़ एज ए मेटल एलोय सेम वे कॉपर का टूल होता है या टंक्सटन का होता है या कॉपर के साथ टंक्स्टन मिलाया हुआ एलोय का भी टूल हो सकता है नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज प्रजेस बाय द टूल टूल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए सॉरी इट मस्ट प्रोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका टूल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप लकड़े का टूल आप यूज करो जो भी टूल यूज़ करते हैं वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है एम मटेरियल रिमूवल रेट आउट ऑफ ऑल द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग विल रिमूव मोर मटेरियल मतलब जो दूसरे जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा मटेरियल रिमूवल रेट होता है इन इन द सेंस द एम आर आर इज़ हायर फॉर ई डी एम मतलब ई डी एम का एम आर आर ज़्यादा होता है बाकी जो दूसरे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ट्रेडिशनल तो क्या है कि जैसे हम लेथ मशीन पे मिलिंग मशीन पे ड्रिलिंग मशीन पे या शिपिंग मशीन पे काम करते हैं जिस आर द ट्रेडिशनल मेथड नॉन ट्रेडिशनल क्या है जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग या वाटर जेट एब्रेसिव मशीनिंग या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग या बाकी अभी हम दूसरे भी हम स्टडी करेंगे ये सब जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा ये ई का मटेरियल रिमूव रेट ज़्यादा होता है ये उसका एक स्केच है ई का मैं स्टार्ट करूंगा राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एक डीसी पावर सप्लाई है डीसी पावर सप्लाई में उसका जो पॉजिटिव है वो हम उसको जो आपका वर्क टेबल है जो 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 वर्क टेबल आपका जिसके ऊपर वर्क पीस रहता है या उसको बेस भी बोलते हैं उसको दिया हुआ है एंड नेगेटिव सप्लाई इज गिवन टू योर टूल हेड या टूल होल्डर बराबर उसके बाद में ये आपका पॉजिटिव सप्लाई एक जाता है आपका गियर बॉक्स में जो गियर बॉक्स जो जो सप्लाई जाता है वो गियर बॉक्स में जाता है वो वहाँ पे एक स्टेप डाउन या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि एक जो मोटर होता है बाय दैट यू कैन मूव योर टूल अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन सिस्टम वहाँ से नीचे जो आता है दैट इज़ योर टूल हेड टूल हेड को आपने नगेटिव सप्लाई दिया हुआ है आप उसको टूल को विद द हेल्प ऑफ दिस रैक एंड पिनियन सिस्टम आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं एंड ये जो मोटर जो होती है वो सर्वो मोटर होती है सो so दैट आप माइन्यूटली उसका मूवमेंट जैसे पॉइंट जीरो वन एम एम प्लस और वो अप और डाउन करना है तभी भी आप उससे कर सकते हो ये जो आपका एक कंटेनर जैसा होता है उसके अंदर यू हैव टू फिल दैट विद द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड जैसे आप मान लो कैरोसिन आप उसमें डाल सकते हैं बेस के ऊपर आपने वर्क पीस रखा हुआ है और जो आपका टूल का जो शेप है वही शेप का आप वहाँ पे मशीनिंग कर सकते हो

इलेक्ट्रिक फूड आपने यूज किया है एज ए कैरोसिन इज यू आर यूजिंग एज ए डायट्रिक फ्यूड एंड ए को आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया है तो ये आपका एक लेआउट है ईडीएम मशीन का या ईडीएम प्रोसेस का हम डिटेल में उसमें जाएंगे द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग सेटअप कंसिस्ट ऑफ फिक्सर फिक्सर क्या है टू होल्ड द टेबल जो टेबल है आप उसको होल्ड करने के लिए एक फिक्सर है या आप उसको फिक्सर जैसे मान लो आप वाइस भी यूज कर सकते हैं या कुछ भी यूज कर सकते है. टेबल क्या है टू होल्ड द वर्क पीस वर्क पीस आपने अंदर रखा हुआ है टूल है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मीडियम आपने कौन सा यूज किया है कैरोसिन फीड यूनिट फीड यूनिट आप कैसे अप एंड डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वो फीड यूनिट यूनिट यूज़ करते हैं आपको माइन्यूट अरेंजमेंट करना है जैसे आपको मैंने बोला कि आपको टूल को पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर अप या डाउन करना है तब आप ये सर्वो यूनिट से आप कर सकते हैं एंड देर इज ए डीसी पावर सप्लाई ये आपका उसका सेटअप है या आपका लेआउट है वर्क पीस इज फिक्स इन द डायलैक्ट्रिक कंटेनर बायसर आपका वर्क पेस आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर के ऊपर फिट किया हुआ है टूल इज फेड अपीड विच कैन मूव डाउनवर्ड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन बराबर मैंने जैसे आपको समझाया कि सर्वोफीड यूनिट से आप टूल को अप एंड डाउन कर सकते हैं द पावर सप्लाई इज गिवन टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस वर्क to पीस को जैसे मैं लग, मैंने बोला था कि टेबल टेबल के ऊपर वर्क पीस है तो आपने बेस या टेबल को आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है तो अल्टीमेटली वर्क पीस को भी आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और टूल को या आपने टूल होल्डर को नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है और टूल होल्डर के अंदर आपने टूल फिट किया हुआ है तो अल्टीमेटली टूल को आपको नेगेटिव सप्लाई मिलेगा द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाई मीन्स ऑफ डाईलैक्ट्रिक फ्लूड एंड एन ऑप्टिम गैप इज मेंटेन बिटवीन दैम डाईलैक्ट्रिक फ्लूड के अंदर टूल और आपका वर्क पीस रहता है और आपको उसके बीच में एक गैप मेंटेन करना है एंड जनरली दैट गैप इज अबाउट पॉइंट जीरो थ्री मिलीमीटर As stated that at normal condition the dielectric fluid acts as a manager, a dielectric fluid normal condition may insulator in the sense of no electrical conductivity is taking place. But lakin by an increase of the high pressure, the dielectric fluid ionize into negative and positive ions. Lekin, जैसे आप उसका वोल्टेज में इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है जो डाइलेक्ट्रि फ्लूड है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स में आयोनाइज होते हैं द पॉजिटिव आयंस आर एट्रेक्टेड टूअर्ड्स नेगेटिव आयंस जो पॉजिटिव आयन है पॉजिटिव आयंस मतलब किसको आपने पॉजिटिव दिया हुआ है वर्क पीस को नेगेटिव किसको दिया हुआ है आपने टूल को दिया है तो पॉजिटिव आयंस जो वर्क पीस है वो जाता है आपका नेगेटिव आयन याने आपका टूल की तरफ जाता है एंड आर एट्रैक्टेड टूअर्स पॉजिटिव आयंस एंड देयर बाय द हीट इज जनरेटेड एंड बाय ड्यू टू दिस देर इज अ जनरेशन ऑफ हीट लेकिन एस मैंने बताया कि जैसे ही आपने वर्क पीस और टूल दोनों को आपने डाइलैक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो फ्लूड आपका मशीनिंग का काम तो करता है लेकिन एज वेल एज आपका जो वर्क पीस है और टूल है दोनों को ठंडा रखने का काम भी करता है और तीसरा काम उसका क्या है जो भी मटेरियल रिमूव होता है उसको वहां से हटाने का काम भी द इलेक्ट्रिक फ्लूड करता है वेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयस कोलाइड विथ ईच अदर देन द स्पार्क इज

नहीं होगा तभी यह डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड है वो इंसुलेटर का काम करता है द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क पीस दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस एलोंग विद द बेसिक टर्म्स एंड वर्किंग जैसे ये मैंने बताया कि आपका जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन है उसका आपका बेसिक वर्किंग किस तरह से होता है नाउ वी विल सी समेज ऑफ ए डी एम तो क्या क्या एडवांटेज है द मशीनिंग प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्कपीस वर्कपीस का कुछ भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका ये मशीनिंग ऑपरेशन या मशीनिंग प्रोसेस डिपेंड नहीं करता है नो रिशिड्यूल स्ट्रेसिस विल बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग बिकॉज नो फोर्सेस आर एक्टिंग उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं होता है तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है द डीपर होल इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल बाई डी एल बाई डी का रेशियो लेंथ जो आपका जो वर्क uh, पीस का हाइट या लेंथ आप जो भी बोलेंगे और डायमीटर वो रेशियो अप टू ट्वेंटी है तब तक हम उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मैथड्स EDM डी इज द मेथड विथ हायर मटेरियल रिमूवल रेट जैसे मैंने पहले बताया था कि बाकी का जो भी प्रोसेस है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें EDM का MRR आर आर यानि मटीरियल रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा है सरफेस फिनिश इज बेटर ड्यू टू मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन यहाँ पे मेल्टिंग और वेपोराइजेशन होता है सो तो आपका ड्रिलिंग या जो भी आपने मशीनिंग किया है उसका सरफेस फिनिश आपको अच्छा मिलता है बराबर सो so ये थे कुछ उसके एडवांटेजेस। उसके साथ में उसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है तो वर्क पीस मटीरियल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव तो आप मेटल के ऊपर ही उसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको प्लास्टिक का या रबर का या नॉन मेटल का कोई भी आपका वर्क पीस है आपको उसमें ई प्रोसेस करना है तो आप नहीं कर सकते बिकॉज दैट आपका जो वर्क पीस मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कॉर्नर होल्स आर नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस जो स्क्वेयर कॉर्नर होल्स आपको बनाना है वो उसमें पॉसिबल नहीं होता है या होता है तो उसमें थोड़ी इरेग्यूलरिटीज आती है हार्डनिंग ऑफ वर्क पीस इज़ टेकिंग प्लेस नियर द होल जो आपका होल के आसपास का एरिया है वहाँ पे हार्डनिंग वो वर्कपीस में हो जाता है तो ये था उसके लिमिटेशंस उसके साथ में उसका एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ पे ई प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग होल साइज लेस देन पॉइंट वन मिलीमीटर आपका आप होल का डायमीटर पॉइंट वन मिलीमीटर mm से भी कम है वहाँ पे भी आप ई प्रोसेस कर सकते हैं यूज फॉर डाई सिंकिंग और डाई मैन्युफैक्चरिंग जनरली डाई मैन्युफैक्चरिंग में क्यों यूज होता है क्योंकि डाई जो है वो एक आपका एक पैटर्न है मतलब जैसा ही डाई बनेगा वैसा आपका प्रोडक्ट बनेगा तो आपका डाई में जो साइज परफेक्शन है या डायमेंशनल परफेक्शन से वो उसमें बहुत अच्छा चाहिए दैट्स वाई आपका जो डाई मैन्युफैक्चरिंग है वो ई प्रोसेस से हम कर, बनाएंगे तो आपका जो डायमे से जो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उसका डायमेंस भी बहुत अच्छे आ सकते हैं होल्स इन द एयर ब्रेक्स और न्यूमेटिक ब्रेक्स वेर डन बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस जो एयर ब्रेक या न्यूमेटिक ब्रेक्स से उसमें जो भी होल किए हुए वो इस प्रोसेस से आप कर सकते हो नाउ दिस इज अबाउट द ई Electro discharge machine or electrical discharge machine. You have to explain. You have to answer the questions of this. Explain EDM process with its cage, with its advantages and disadvantages. Thank you.